दोस्तों जामिया का डिप्लोमा बहुत ही कमाल की डिप्लोमा है। आपने सुना होगा हाल ही में मोहम्मद आमीन ने 70 लाख के पर एनम पे प्लेसमेंट लेके धूम मचा दी। पूरे देश में खलबली मच गई कि एक डिप्लोमा इंजीनियर 70 लाख पर एनम प्लेसमेंट ले सकता है, तो जामिया की पॉलिटेक्निक के ये औकात है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आए जामिया में और जामिया से डिप्लोमा करें और डिप्लोमा करके अच्छी अच्छी कंपनियों में धूम मचा दें। हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन लें। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सीटें कितनी हैं, इसमें फीस कितनी है, क्या एग्ज़ाम के सिलेबस है, किस बुक को आप रेफर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और अपने ज्ञान से, इल्म से दुनिया को रोशन करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए चुन चुन के कोर्स लाता रहता हूं आपके बेनिफिट के लिए। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप एक लाइक बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो 7 शहरों में होंगे, पूरे देश में 7 शहरों में होंगे। शहर है कालीकट, लखनऊ, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर और कोलकाता। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो है 700 रुपया। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 12 अप्रैल। टोटल डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सीट्स है 360+360, मतलब कि 720 सीटें हैं टोटल डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। 307 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस में। सेल्फ फाइनेंस मतलब होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर कोर्सेज, बट वैल्यू दोनों की सेम होती है, सिर्फ फीस का डिफरेंस होता है। जो जामिया का फीस है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ही कम फीस है। डिप्लोमा में ब्रांचेस है सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। ये दोनों स्ट्रीम में है, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर दोनों कोर्सेज में ये स्ट्रीम है। आप देख लीजिए फीस कितनी है। पॉलिटेक्निक में सिर्फ 8,970 रुपया फीस है पर एनम। अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में होता है तो 27,720 रुपीज है पर एनम, बहुत ही कम फीस है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस दोनों को जो एग्जाम्स होंगे वो कंबाइंड एग्जाम्स होंगे। एग्जाम होंगे 11 जून 2019 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और रिजल्ट पब्लिश होगा 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में। एक ध्यान देने वाली बात यह है, रिजल्ट सेल्फ फाइनेंस का तभी आएगा जब रेगुलर कोर्सेज का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी रेगुलर कोर्सेज में जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तभी सेल्फ फाइनेंस कोर्स का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने 10वीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, या अगर आप 12वीं किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में पीसीएम में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने 12 किया है तो 12 में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। या अगर आप ITI किए हैं तो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जामिया में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नोट में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री साइंस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपने 10वीं में एलिमेंट्री मैथ रखा है या एलिमेंट्री साइंस रखा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा में। ज़्यादातर स्टूडेंट एलिमेंट्री साइंस मैथ नहीं रखते हैं, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंटों को टेंशन नहीं, आप बेफिक्र अप्लाई कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक बटन को प्रेस करके मुझे मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।